वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पीसीबी टेस्टिंग के बारे में स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज हाउ टू स्केल अप द सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एंड मैलेबल, सो देर इज नो पार्ट्स टू ऑर्डर, नो बिल ऑफ मटेरियल टू पे फॉर, एंड द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेकअप द प्रोग्राम विच रन इन डिवाइस और ऑन द इंटरनेट आर इनविजिबल। ठीक है, तो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इनविजिबल पार्ट है प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो जिसमें हम एक प्रोग्राम या कोड लिखते हैं, ठीक है, एंड दैट प्रोग्राम और कोड विल बी कंटेंट सम बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसमें इंफॉर्मेशन होगा, एंड दैट प्रोग्राम विल बी रन ऑन द डिवाइस और ऑन द इंटरनेट, दैट इज़ इनविजिबल। सो दैट इज़ सॉफ्टवेयर सिंपली। सो द सॉफ्टवेयर यू रोट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड व्हाट्स एंड अप इन द प्रोडक्शन विल बी डजंट सी विद द नेक आई। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर हम प्रोजेक्ट के लिए लिखेंगे वो हम प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में हम यूज़ करेंगे उसका, एंड दैट एज एंड अप विद द प्रोडक्शन। ठीक है, एंड लास्ट में जब भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, सो इन दैट टाइम वी डजंट और द सॉफ्टवेयर इज डजंट विजिबल टू नेकेड आई। ओके, सो सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी पॉलिश बिफोर इट कैन बी एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा जो भी आप प्रोजेक्ट में या डिवाइस में यूज़ करोगे, सो दैट इट कैन बी एक्सपोज टू द रियल वर्ल्ड। सो द वेरियस फैक्टर दैट रिक्वायर टू पॉलिश द सॉफ्टवेयर आर। ओके, तो सॉफ्टवेयर को पॉलिश या अपडेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसका हम यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है करेक्टनेस। ठीक है, तो जो भी कोड या प्रोग्राम आप लिखोगे डिवाइस के वर्क के लिए, सो दैट शुड बी अ करेक्ट वन। सेकंड वन, इट कैन बी अ मेंटेन और वेल मेंटेन। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका डिवाइस मार्केट में सेल आउट होगा, तो उसके बाद हो सकता है कि अगर उसमें कोई एरर्स या बग्स आते हैं तो उसको आपको मेंटेन भी करना है। थर्ड वन, सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, सो दैट डेटा रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस, एंड द लास्ट वन इज़ द कम्युनिटी। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर टू पॉलिश द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लॉयमेंट। सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज कॉपिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपमेंट मशीन टू हेयर इट विल टू बी रन फ्रॉम इन प्रोडक्शन इज द टिपिकली नोन एज डिप्लॉयमेंट, और समटाइम्स बाय एनोलॉजी टू द फिजिकल प्रोडक्ट और शिपिंग। ठीक है, मीन्स जो हम कॉपी करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मशीन से, ठीक है, टू वेयर इट विल रन एंड फ्रॉम इन प्रोडक्शन इज टिपिकली नोन एज अ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो जहाँ से हम सॉफ्टवेयर को कॉपी करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट मशीन से, एंड उसे हम रन करेंगे, ओके, डिवाइस पे, सो दैट थिंग इज नोन एज अ डिप्लॉयमेंट। ओके, सो इन केस ऑफ फर्मवेयर रनिंग ऑन माइक्रो कंट्रोलर, सो दिस विल बी डन वंस ओनली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो फर्मवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है, जो कि एक ही बार रन होगा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस। तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर या जिस प्रोजेक्ट में माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होगा पीसीबी में, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही बार ये फर्मवेयर का जो है टेस्टिंग होगा। Like that, for a simple device like Arduino, which usually only runs a single program, the process will be identically to that in development. Okay, तो जैसे हमें पता है कि Arduino में यूज़ होता है माइक्रो कंट्रोलर, एंड द Arduino किट्स और Arduino projects are generally runs the single program. ठीक है, तो उसमें single program run होता है Arduino boards पे या Arduino किट्स पे. Okay, so that process will be identical to that in development. So the software for online services
विल टेंड टू रन इन सिंगल लोकेशन. तो जो भी ऑनलाइन सर्विसेज का सॉफ्टवेयर है, ओके, सो दैट कैन बी रन इन अ सिंगल लोकेशन ओनली. सो हाउ एवर इट इज जनरली बी विजिबल टू द होल ऑफ द इंटरनेट, विच मीन्स दैट इट विल बी पोटेंशियली बी सब्जेक्ट टू ग्रेटर लोड एंड ग्रेटर रेंज ऑफ एक्सीडेंटल एंड माइट मे कॉज द टू स्टॉप इट्स वर्किंग. ठीक है, तो इंटरनेट पे जो भी सॉफ्टवेयर रन होगा, सो दैट कैन बी विजिबल टू द होल इंटरनेट, ओके, एंड दैट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ द ग्रेटर लोड, मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग उसे एक्सेस कर सकते, सो इट हैज़ द ग्रेटर रेंज, ओके, एंड ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स और द एक्सीडेंशियल, सो दैट इट कैन कॉज द स्टॉप वर्किंग. सो इट इज़ नेसेसरी टू अपडेट द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स मोर रेगुलरली दैन दोज ऑन द डिवाइस. तो इसी वजह से जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो उसका मेंटेनेंस रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी जो यूज़र्स है उसके लिए ओपन है, मीन्स विजिबल है, ओके. जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उस पे जो लोड है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे ऑनलाइन, तो उस पे लोड भी ज़्यादा होगा एंड उसका जो रेंज है, ठीक है, तो रेंज भी वहाँ पे इंक्रीज़ होगा. तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोडिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पे जो है, इट कैन स्टॉप द वर्किंग. ठीक है, तो इसी वजह से उसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को हमें बार बार मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें अपडेट्स की अगर ज़रूरत है तो हमें उसे अपडेट भी करने पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर वर्क ऑन द डिवाइस. सो दैट इज़ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज द करेक्टनेस एंड द मेंटेबिलिटी. सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज, सो यू आर सोल्ड 1,000 इंटरनेट कनेक्टेड कॉफी मशीन्स, ओके. अगर आपने सपोज कॉफी मशीन के लिए का डिवाइस अगर फॉर्म किया है, ओके, एंड यू सोल्ड आउट द 1,000 मशीन्स इन द मार्केट, ठीक है, सो दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ठीक है, तो अगर आपने कोई IoT डिवाइस फॉर्म किया है, सो दैट इज़ कनेक्टेड टू द कॉफी मशीन्स एंड आपने उसको सेल आउट किया है थाउजेंड्स ऑफ क्वान्टिटी इन मार्केट, सो नाउ इट्स टाइम टू क्रॉस योर फिंगर्स एंड होप दैट यू डोंट गेट द 1,000 कंप्लेंट्स दैट इट डजेंट एक्चुअली वर्क. ठीक है, तो आपने 1,000 मशीन, कॉफी मशीन जो भी इंटरनेट कनेक्टेड, वो अपने मार्केट में सेल कर दिया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो भी कस्टमर है उनको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए रिगार्डिंग दैट. यही आपका एक सोच होगा, ठीक है, परहैप्स इट मेक्स द कैपुचिनोस व्हेन द कस्टमर आस्क इट फॉर अ लैटी. क्लियरली एज अ पब्लिकली अवेलेबल प्रोडक्ट योर सॉफ्टवेयर हैज़ टू डू वॉट यू क्लेम इट एंड इट वुड एंड डू इट इफिशियंटली एंड सेफली. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट रहेगा, इंटरनेट कनेक्टेड कॉफी मशीन, सो इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, ओके, सो इट कैन बी हैंडल इफिशियंटली एंड सेफली लाइक दैट. सो टेस्टिंग योर कोड बिफोर इट इज़ डिप्लॉयड एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन हेल्पिंग टू सच अवॉइड सच सिचुएशन. ठीक है, तो जो कोड या प्रोग्राम आप लिखोगे, ठीक है, सो डिप्लॉयमेंट से पहले आपको उसको टेस्ट करना है ठीक तरीके से. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप इन हेल्पिंग द टू अवॉइड द सिचुएशंस. सो इफ योर डिवाइस कैन अपडेट इट्स ओन कोड, द चैनल फॉर डिलीवरिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग एनी अपडेट्स मस्ट बी रॉक सॉलिड. ठीक है, मीन्स आपने जो डिवाइस फॉर्म किया है एंड उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, ठीक है, तो वो जो कोड है वो अपने आप अगर अपडेट हो रहा है, सो दैट विल बी अ बेटर, ओके, लाइक दैट. सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द करेक्टनेस एंड मेंटेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिक्योरिटी रिगार्डिंग द आईओटी डिवाइसेस. सो दिस कंसर्न लीड्स अस बैक टू इम्पोर्टेंट इशू ऑफ सिक्योरिटी. सो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंस गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इन द आईओटी डिवाइसेस. सो फर्स्ट वन इज़ द मेक श्योर दैट यूअर सर्वर्स आर केप्ट अप टू डेटेड विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड हार्डन विद द एप्रोप्रिएट फायरवॉल्स एंड डिटेक्ट द माइग्रेट अगेंस्ट द पासवर्ड हैकिंग अटेम्प्ट एंड रूट किट अटैक्स. ठीक है, तो जो भी सर्वर्स आप यूज़ करोगे डेटा स्टोरेज के लिए आईओटी डिवाइसेस के, ठीक है, तो वो अपडेटेड होना चाहिए. मीन्स इट कंटेन्स द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस. ठीक है, अगेन फायरवॉल्स एंड डिटेक्ट द माइग्रेट्स अगेंस्ट द पासवर्ड हैकिंग. ठीक है, तो उसमें फायरवॉल इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, एंड वहाँ पे सॉफ्टवेयर होने चाहिए टू डिटेक्ट द हैकर्स हु आर अटेम्प्टिंग टू हैक द पासवर्ड. ठीक है, तो सर्वर्स पे या जो भी पासवर्ड हैकिंग हैक हो रहा है, ठीक है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए सर्वर पे, लाइक दैट. सो दैट इज़ द फर्स्ट गाइडलाइन. सेकंड, यूज़र पासवर्ड शुड नेवर बी स्टोर इन अ प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, तो जो भी यूज़र या कस्टमर्स रहेंगे आपके डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, तो वो सब डेटा आपके सर्वर पे स्टोर होगा. तो उस पर जो पासवर्ड आप यूज़र को या कस्टमर को दे रहे हो, सो दैट पासवर्ड डजंट कंटेन द प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, तो उसमें प्लेन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए. इफ़ योर डेटाबेस वेयर एवर कंप्राइज देन एन अटैकर कुल इजीली लॉग इन एज अ एनी यूज़र. ठीक है, अगर आप उसके साथ कंप्राइजमेंट करते हो, ठीक है, तो अटैकर्स जो है वो इजीली लॉग इन कर सकते हैं किसी भी यूज़र का जो पासवर्ड थेप्ट करके. ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड के जो स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है, तो वो आपको फॉलो अप करना है आपके कस्टमर्स को एंड यूजर्स को. नेक्स्ट गाइडलाइन इज नेवर सिंपली ट्रस्ट द यूज़र इनपुट. ठीक है, तो जो भी यूज़र यहाँ पे इनपुट पुटअप करेगा आपके सॉफ्टवेयर को या डिवाइस को यूज़ करने के लिए, तो उस पर आपको सिंपली ट्रस्ट नहीं करना है. सो बी अवेयर ऑफ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट अटैक्स फ्रॉम अदर मैलिशियस एंड कॉम्प्राइज वेबसाइट. ठीक है, जो अलग अलग वेबसाइट से जो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आ रहा है, सो यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग्स. ओके, बिकॉज इट कंटेन्स द हैकर अटैक्स. ओके, सो चेक दैट एनीथिंग दैट इज एंटर इन टू द वेब एप्लीकेशन फिट्स द टाइप ऑफ डेटा यू एक्सपेक्ट एंड रिफ्यूज और क्लीनिंग एनीथिंग विच डजंट. ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ द आईओटी डिवाइसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस. सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट थिंग मेनी पीपल थिंक ऑफ व्हेन कंसिडरिंग द स्केलिंग अप ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेदर इट इज फास्ट इनफ एंड हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स. सो बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर आपने एक बार सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर लिया, ओके, सो वो फास्टली यूज़ होगा एंड इट हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स. ठीक है, तो वो फास्टली यूज़ होके उसके साथ नंबर ऑफ यूज़र्स अटैच हो सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंकिंग ऑफ अ पीपल. सो इफ यूर सर्विस इज रनिंग ऑन मॉडर्न फ्रेमवर्क, ठीक है, तो आप जो सर्विसेज वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो मॉडर्न फ्रेमवर्क पे वर्क हो रहा है. सो इट शुड बी इजी टू स्केल अप बाय डिप्लॉइंग द कोड इनटू मोर पावरफुल मशीन. ठीक है, तो वो ईजी है स्केल अप करने के लिए बाय डिप्लॉइंग द कोड इनटू द मोर पावरफुल मशीन और बाय रनिंग द मल्टीपल सर्वर्स विद अ फ्रंट एंड सर्वर और प्रॉक्सी मैनेजिंग द लोड. ओके, तो इस कंडीशन में स्केल अप करना ईजी है. You have to only deploying the code into the another powerful machine or running the multiple servers. ठीक है, इस एक से ज़्यादा सर्वर्स हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. अगर जो वेब सर्विस हम रन कर रहे हैं वो अगर मॉडर्न फ्रेमवर्क पर वर्क हो रहा है इन दैट केस, सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रनिंग योर वेब एप्लीकेशन विथ अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर
विच इज़ गुड इनफ फॉर द मोस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि आप जो वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हो, ठीक है, सो इट हैज़ अ स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स उसका स्टैंडर्ड डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू आर लकी इनफ टू हैव अ सो मच ट्रैफिक दैट यू नीड टू स्केल, यू शुड ऑलवेज ऑप्टिमाइज यूजिंग दिस अल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर आपने जो एप्लीकेशन बनाया है वहाँ पे अगर ट्रैफिक या यूज़र्स वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, सो इन दैट केस यू शुड ऑप्टिमाइज द योर एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ अल्गोरिदम। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स दिए रिगार्डिंग दैट अल्गोरिदम। फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट यू एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेजर एंड प्रोफाइल द टास्क विच आर स्लो एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको उसमें अलग अलग टेस्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। मीन्स उसमें जो प्रोफाइल या टास्क है जो स्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड वन, फिक्स दैट प्रॉब्लम, द वेब कम्युनिटी डज अ गुड जॉब इन शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हाउ टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा, यू हैव टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए आप कम्युनिटी का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मीन्स कम्युनिटी के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो, तो वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे, ओके, दे कैन गिव द सॉल्यूशन रिगार्डिंग योर दिस प्रॉब्लम्स। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज द यूज़र कम्युनिटी। सो वेदर यू आर लॉन्चिंग अ मास मार्केट कमर्शियल प्रोडक्ट और ओपन सोर्स कम्युनिटी एफर्ट्स, योर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल ओनली पीपल एक्चुअली यूज इट। ओके, तो आप जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप मास मार्केट कमर्शियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, या एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, बट जब तक पीपल्स उसे या यूज़र उसको यूज़ नहीं करेंगे या कस्टमर उसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो एट अ मिनिमम यू नीड अ सपोर्ट ईमेल और बग रिपोर्टिंग टूल, सो दैट यूज़र कैन इजीली फाइंड अ रिलेटेड इश्यूज, बट यू विल बी प्रोबेबली हैव अ प्रेजेंस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक। ठीक है, मीन्स आपको वहाँ पे सपोर्ट ईमेल एंड बग रिपोर्टिंग टूल का वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर यूज़र का कोई क्यूरी आता है, ठीक है, या कोई इशू वहाँ पे होता है, ठीक है, सो इन दैट केस यूज़र कैन सेंड यू द ईमेल, ओके, या बग रिपोर्टिंग टूल का यूज़ करके वो प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और यू कैन प्रेजेंट ऑन द वेरियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़र आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है रिगार्डिंग इस प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एज वेल एज रिस्पॉन्डिंग टू क्यूरीज, हाउएवर यू शुड थिंक अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस बिफोर लॉन्चिंग। सो डज योर वेबसाइट हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, इंट्रोडक्टरी वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो जो कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है या क्यूरीज है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू डैट क्यूरीज, ओके, एंड यू शुड थिंक अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस। तो जो यूज़र का एक्सपीरियंस रहेगा बिफोर लॉन्चिंग ऑफ यूर प्रोडक्ट, यू हैव टू थिंक अबाउट डैट, ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपके वेबसाइट में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस, मीन्स कैसे वो प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उसके ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस आप यूट्यूब पे या आपके वेबसाइट पे आप पुटअप कर सकते हो। ठीक है, मीन्स इट इज़ यूजी फॉर द यूज़र। ठीक है, तो यूज़र उस तरह से वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके आपका जो प्रोडक्ट है उसको ईजिली यूज़ कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लॉगिंग रेगुलरली अबाउट द प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स हेल्प टू बिल्ड अ रीडरशिप ऑफ यूज़र बोथ करंट एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लॉग भी लिख सकते हो रेगुलर बेसिस पे रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स उसमें जो भी डेवलपमेंट एंड
प्रॉब्लम्स या क्यूरीज आ सकती है उसके रिगार्डिंग आप अलग अलग टॉपिक्स पे वहाँ पे रेगुलरली ब्लॉग लिख सकते हैं, मीन्स यूज़र कैन रीड दैट ब्लॉग, ठीक है, सो इट कैन बी हेल्प फॉर यूज़र। सो फाइनली सम फॉर्म ऑफ फोरम, मेलिंग लिस्ट और चैट रूम्स लेट्स द यूज़र सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं, टेक्निकल फोरम्स, चैट रूम्स, ठीक है, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट होके काम कर सकते हो, सो विच रिड्यूसेस द वर्कलोड, ठीक है, बिकॉज इम्पोर्टेंटली हेल्प्स टू बिल्ड अप द कम्युनिटी एंड एक्सपर्टाइज अराउंड योर प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरह से आप अलग अलग चैट रूम्स, मेलिंग फोरम्स का यूज़ करके जो आपका वर्कलोड है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा, बिकॉज दैट कम्युनिटी विल बी हेल्प यू टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट अपडेटेड लाइक दैट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूज़र कम्युनिटी, सो दैट विल एंड दिस चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ मूविंग टू मैन्युफैक्चर, विच इज़ द पार्ट ए ऑफ यूनिट 5। सो थैंक यू।